गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी ड्राइंग की बुक। कौन सी बुक है? ये है ड्राइंग की बुक। तो आज हम ड्राइंग में कलर करेंगे। आपको कलर करना अच्छा लगता है तो चलिए आप ड्राइंग की बुक निकाल लीजिए, फिर हम कलर करेंगे। हाँ, तो ये क्या है? तो पेज नंबर आज हम 3 पर कलर करेंगे। तो 3 पेज नंबर पर क्या दिया हुआ है? केक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? केक दिया हुआ है। तो आज हम केक में कलर करेंगे। अब हमें कौन कौन से कलर चाहिए तो इसके लिए भी हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से आपको कलर चाहिए और कौन कौन से आपको कलर्स निकालने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से कलर चाहिए आपको। आपको चाहिए इसमें पिंक, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, पर्पल एंड रेड। आपको इसमें 6 कलर्स चाहिए। कितने? 6 कलर्स चाहिए। तो आप ले लो, फिर हम कलर करना स्टार्ट करेंगे। अब 6 कलर्स क्यों चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये कौन सा है? रेड कलर। इसके ऊपर ये कौन सा कलर है? येलो। और ये क्या है? ग्रीन। तो कितने कलर्स हो गए हमारे पास? 3। अब ये क्या है? पर्पल। तो कितने हो गए? 4। और ये क्या है? स्काई ब्लू। तो कितने हो गए? 5। ठीक है, अब ये कौन सा कलर है? ये है पिंक कलर। तो कितने हो गए हमारे पास? 6 कलर। हाँ, तो हमें 6 कलर्स चाहिए क्योंकि ग्रीन है और ये रेड है और ये पर्पल है, जो हम इसमें ऑलरेडी काउंट कर चुके थे। ठीक है, तो अब आपने कलर्स ले लिए तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अब आप ये जो ऊपर कैंडल्स लगी हुई है ना, तो कैंडल्स हम सबसे पहले इसमें कलर्स करेंगे। ठीक है, अब हम कैंडल्स के ऊपर ये जो निकल रही है, लौ निकल रही है, हम इसमें कलर करेंगे। इसमें कौन सा कलर करना है हमें? येलो दिया हुआ है, तो येलो का जितना भी वर्क है हम पहले येलो का वर्क फिनिश कर लेते हैं। इसमें करनी है हमें एक यहाँ करना है इस वाली पोजीशन पर और एक इस पोजीशन पर करना है। ठीक है, तो चलिए हम अभी तक कलर कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा, ये है हमारी केक की शेप जो हम इसमें कलर करेंगे। तो हम पहले इसमें कलर कर लेते हैं किस तरह से करना है। अब हम इसमें डार्क कलर करेंगे, ठीक है, जिससे हमें कलर नज़र आए, और वो भी हम कॉर्नर कॉर्नर में पहले करते हैं उसके बाद। अच्छा, ये टूट गया, कोई बात नहीं है, हम इसको शार्प कर लेते हैं। अब इसको कलर करेंगे, कोई बात नहीं है, कंटिन्यू करते हैं हम इस तरह से। अब आपको सब में येलो कलर करना है। फिर से टूट गया, कोई बात नहीं है, हम शार्प कर, अब हम इसको शार्प कर लेते हैं। शार्प करने के बाद इसको हमने शार्प कर लिए इसी तरह से। अब आप जहाँ जहाँ येलो का वर्क है उतना आप येलो का वर्क करिए। हमारे इसमें येलो का वर्क जितना था हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें इधर करना था येलो कलर और एक इसमें करना था, तो चलिए इसमें भी कर लेते हैं। जी, किनारे किनारे में है ना, हम इसको पहले यहाँ पे फिनिश करेंगे, धीरे धीरे इसको कर लेते हैं। इसको इस तरह से ले जाकर, अब आप भी इस तरह से ले जाकर लेकर जाइए, फिर इसको येलो का जितना भी वर्क है उसे फिनिश करिए। ठीक है, देख सकती हो मैंने ये कॉर्नर कॉर्नर पे येलो का जितना भी वर्क था कर लिया है। अब मैं इसको आसानी से अंदर कितनी भी स्पीड से भरूंगी लेकिन मेरे बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तो अब हम आप भी इसको इसी तरह से कलर, येलो का कलर जितना भी है उसे फिनिश करो, फिर हम उसको नेक्स्ट कलर फिल करेंगे। ठीक है, अब आप भी करो, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब सब मैं करूँ येलो येलो, देख सकते हैं ये जो येलो का हमारा जितना भी वर्क था हमने येलो का वर्क कर लिया है, और मेरा कहीं भी देखो आप बाहर निकल रहे हैं, नहीं निकला ना, इसी तरह से आपका भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो चलिए हम कैंडल्स में कलर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैंडल्स में कौन सा कलर हो रहा है हम इसमें देख लेते हैं। रेड, फिर ग्रीन, फिर पर्पल, फिर स्काई ब्लू। तो हम सबसे पहले कौन सा? रेड कलर कर लेते हैं इसमें। तो ये रेड कलर है, हम इसको इसमें रेड कलर फिल कर लेते हैं। अभी लाइट चल रहा है थोड़ा, अब इसको हम डार्क कर लेते हैं।
किनारे किनारे भी इसको फिल कर लेते हैं। पहले इसी तरह से आपको फिल करना है। अब आप देख सकते हो ये हमारा रेड कलर जितना था कंप्लीट हो गया है, पर रेड कलर और जितना रेड का वर्क है हम उसको उतना पूरा फिनिश कर लेते हैं। एक यहाँ पर रेड का वर्क था तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमें इसमें और करना है, क्योंकि इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कलर और एक यहाँ पर फिल हो रहा है रेड कलर, तो हम भी इसको इसी तरह से फिल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको फिल कर लेते हैं। किस तरह से मैं फिल कर रही हूँ, मेरा बाहर निकल रहा है नहीं निकल रहा ना, इसी तरह से आपका भी कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब देखो रेड कलर का जितना था हमने रेड कलर फिल कर लिया। अब रेड के बाद हम किसको, ग्रीन को करेंगे, क्योंकि रेड के बाद कौन सा कलर है, ग्रीन। तो अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर फिल करेंगे। तो हम पहले किनारों पे कर लेते हैं। देखो हमने किनारों पे कर लिया, कोने कोने पे जितना था कॉर्नर पे हमने कर लिया है। और इसको हम अंदर फिल कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं अंदर भी हमारा कलर फिल हो गया है। इसी तरह से अब आपको भी इसे फिल करना है। अब अच्छा लग रहा है, कहीं बाहर निकल रहा है, इसी तरह से आपका भी कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इसका यहाँ पर भी है थोड़ा सा काम, तो हम यहाँ भी येलो कलर सॉरी ग्रीन कलर फिल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रीन कलर कंप्लीट। ठीक है, अब ग्रीन के बाद हमें कौन सा कलर करना है, पर्पल। कौन सा कलर है ये, पर्पल। तो हम यहाँ पे इसे पर्पल कलर कर लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से, ये थोड़ा लाइट चल रहा है लेकिन हम इसको टाइट टाइट फिल कर लेते हैं, जिससे कि ये नज़र आने लगेगा। हाँ, ये थोड़ा लाइट चल रहा है, हम इसे इस तरह से फिल कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो ये हो गया हमारा पर्पल कलर का जितना था कंप्लीट। ठीक है, हमने पर्पल कलर भी फिल कर लिया। और पर्पल कलर का और कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है जहाँ पे हमें करना हो, क्योंकि हमने पूरा फिल कर लिया इसको। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ही था पर्पल कलर का जितना था वर्क करना है, तो हमें उतना ही फिल करना था। अब हम इस वाली कैंडल में फिल कर लेते हैं। इस कैंडल में हमें स्काई ब्लू कलर फिल करना है, तो आप भी फिल करिए मेरे साथ में। हम इसको इस तरह से फिल करेंगे। जब किनारे पे हम कलर भरते हैं ना, फिल करते हैं, तो बाकी फिर हम धीरे धीरे कलर स्लोली स्लोली कलर फिल करते हैं, जैसे कि वो बाहर की साइड ना निकल जाए, क्योंकि आउटसाइड अगर कलर निकल आएगा तो फिर वो हमारा गलत हो जाएगा ना, इसलिए। तो ये भी कलर हो गया हमारे स्काई ब्लू का कंप्लीट। अब हमें हमारा कौन सा कलर रह गया है, सिर्फ पिंक कलर का रह गया है। किसका, पिंक कलर का। अब हम इसमें पिंक कलर फिल करेंगे, क्योंकि हमारे सभी कलर्स का जितना वर्क था वो हमने सारा फिनिश कर लिया है। अब हमारा लास्ट कलर रह गया है पिंक कलर, तो हमें इधर इधर और एक और इधर कलर फिल करना है, फिर हमारा ये केक के पिक्चर जो शेप है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हम चलिए फिल कर लेते हैं। और किस तरह से करना है, तो हमें इसमें भी सेम प्रोसेस जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था वही अप्लाई करना है। पहले किनारों पे इसे फिल करेंगे इसी तरह से। ठीक है, अब इस तरह से इसे फिल करो, फिर आप मुझे बताना। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो ये जो पिंक कलर है ना, इसका जितना था मैंने किनारे किनारे पे किया हुआ है, इसी तरह से अब आपने भी किया होगा, है ना, ये किया हुआ है जितना भी था। अब हम इसको इसके बीच में कितनी भी स्पीड से कलर करेंगे ना, लेकिन हमारा उसको बाहर नहीं निकलेगा। तो अब आपको ये इसी तरह से इसको फिल करना है। ठीक है, तो अब इसको पूरा से इसको फिल करो और मुझे दिखाओ फिर। तो ये है हमारा पिंक कलर कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से
आपने भी फिल कर लिया होगा, कर लिया ना। तो अब हमारी ये हो गई केक की पिक्चर कंप्लीट, है ना। अब आप देख सकते हैं ये हो गई हमारे केक की पिक्चर कंप्लीट। अब आप भी जिन लोगों ने केक में कलर फिल नहीं किया है, अब वो भी कलर कर लें। ठीक है, बाय बाय।